जगदलपुर के नेशनल हाईवे 30 में आज सुबह करीब 3:15 बजे पायल ट्रेवल की बस और कार में टक्कर हो गई। हुई दर्दनाक हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शव को निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग किया गया। गैस कटर से कार को काटकर 2 शवों को बाहर निकालना पड़ा। घायल को अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि रायपुर से यात्रियों को लेकर जगदलपुर की ओर आ रही पायल ट्रेवल की बस CG07E9922 आसना के आगे मेटावाड़ा पुल के पास जगदलपुर की ओर से आसना की ओर जा रही टाटा नेक्सान वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। टाटा नेक्सान में 5 युवक सवार थे। यात्री बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद मौके से बस चालक व परिचालक फरार हो गया है। वहीं मृतकों के शव को निकालने के लिए पुलिस ने गैस कटर का उपयोग किया, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी लगते ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि 4 युवक जगदलपुर के अलग अलग जगह के थे, जबकि एक युवक सुकमा का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मृतकों के परिजनों के बारे में पता साझी कर रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।